दोस्तों इस साल 2021 का पहला स्मार्ट टीवी लॉन्च होने वाला है और ये है कॉम्पैक्ट ER सीरीज टीवीज। और हम आज की इस वीडियो में इन टीवीज के बारे में सारी डिटेल्स जानने वाले हैं और इस वीडियो के एंड में मैं अपनी ओपिनियन इन टीवीज के बारे में आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए फिर देर किस बात की, आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कॉम्पैक अपनी लेटेस्ट ER टीवी सीरीज कल 14 जनवरी के दिन फ्लिपकार्ट पर लॉन्च कर रहा है एंड ER स्टैंड्स फॉर फास्टर रिचर एंड बेटर। और यहां पर आपको तीन स्क्रीन साइजेस देखने को मिलेंगे, विच इज 32, 43 एंड 50 इंच। लेकिन दोस्तों अगर यहां एक 55 इंच टीवी भी होता तो काफी अच्छा होता, क्योंकि 55 इंच एक स्टैंडर्ड स्क्रीन साइज है जो कि काफी सारे कस्टमर्स परचेज करना चाहते हैं। और आप इन टीवीज को कल ही परचेज भी कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको इन टीवीज को परचेज करना चाहिए या नहीं, आज की हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों पहले अगर हम बात करें लुक्स की, तो ये टीवीज एक डिसेंट लुक के साथ आते हैं, लेकिन ये पिछले कॉम्पैक्ट टीवीज की तरह थिन बेजल्स और स्लिम बॉडी के साथ नहीं आते, विच इज अ बिट डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि 2021 में हमें सारे टीवीज अल्ट्रा थिन बेजल्स और स्लिम बॉडी के साथ लॉन्च होते देखने को मिलेंगे। अब अगर हम यहाँ पर पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो यहाँ 32 इंच HD रेडी, 43 इंच फुल HD और 50 इंच 4K अल्ट्रा HD रिजोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं। और यहाँ एक 8 बिट FRC VA डिलेट पैनल का सपोर्ट देखने को मिलेगा, विच कम्स विद 60 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट। और यहाँ पर स्क्रीन साइज के हिसाब से आपको अलग अलग ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट लेवल्स देखने को मिलेंगे, विच इज 320 निट्स, 350 निट्स एंड 400 निट्स। लेकिन अगर यहाँ तीनों ही टीवीज में 400 निट्स तक की ब्राइटनेस होती तो काफी अच्छा होता। और साथ ही यहाँ पर आपको अच्छा खासा कॉन्ट्रास्ट लेवल भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पहली बार कॉम्पैक्ट ने इंटेलिजेंट बैकलाइट डिमिंग टेक्नोलॉजी का सपोर्ट दिया है, जो कि 1296 डिमिंग जोन्स की मदद से ब्राइट व्हाइट्स एंड इंप्रेसिव ब्लैक्स डिलीवर करता है। साथ ही दोस्तों पिक्चर क्वालिटी एनहांसमेंट के लिए यहाँ पर एक पिक्चर इंजन का सपोर्ट भी दिया गया है, जिसका नाम है एक्सपीरियंस स्टेबलाइजेशन इंजन, जो कि एक ठीक ठाक व्यूइंग एक्सपीरियंस डिलीवर करता है। और दोस्तों इन तीनों ही वेरिएंट्स में आपको HLG और HDR10+ पिक्चर एनहांसिंग टेक्नोलॉजीज का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, जो कि एक काफी अच्छी बात है, खासकर 32 इंच और 43 इंच वेरिएंट्स के लिए, क्योंकि मार्केट में कम ही ऐसे HD रेडी और फुल HD टीवीज हैं जिनमें आपको HDR10+ का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और दोस्तों तीनों ही टीवीज में आपको 24 वॉट्स के बॉक्स स्पीकर्स का सपोर्ट देखने को मिलता है, अलोंग विद डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट्स फॉर ऑडियो एनहांसमेंट। अब अगर हम बाकी टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको कॉर्टेक्स A53 और A55 CPU और माली 470 GPU का सपोर्ट देखने को मिलता है। लेकिन अगर तीनों ही वेरिएंट्स में आपको कॉर्टेक्स A55 CPU का सपोर्ट मिलता तो काफी अच्छा होता, क्योंकि कॉर्टेक्स A53 एक कंपैरेटिवली ओल्डर CPU हो चुका है। साथ ही यहाँ पर आपको 32 और 43 इंच वेरिएंट्स में 1.5 GB रैम और 8 GB स्टोरेज देखने को मिलेगा, वहीं 50 इंच वेरिएंट में आपको 2 GB रैम और 16 GB स्टोरेज का सपोर्ट देखने को मिलता है। लेकिन अगर यहाँ पर तीनों ही वेरिएंट्स में 2 GB रैम और 16 GB स्टोरेज दी गई होती तो काफी अच्छा होता। और इस कॉम्पैक्ट ER सीरीज टीवीज में आपको एंड्रॉइड 9.0 OS का सपोर्ट मिलेगा, अलोंग विद क्रोमकास्ट एंड गूगल असिस्टेंट्स। और जहाँ तक बात है कनेक्टिविटी की, तो तीनों ही टीवीज में आपको 3 HDMI पोर्ट्स विद सपोर्ट CEC एंड ARC टेक्नोलॉजी, 2 USB पोर्ट्स, ब्लूटूथ 5.0 और डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिलता है। चलिए अब हम इन टीवीज के प्राइस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो कॉम्पैक्ट ER सीरीज टीवीज के 32 इंच वेरिएंट का प्राइस है अराउंड 13,999 रुपीस, 43 इंच वेरिएंट का प्राइस है 23,999 रुपीस और 50 इंच वेरिएंट का प्राइस है 32,999 रुपीस। अब दोस्तों मेरी पर्सनल ओपिनियन इन कॉम्पैक्ट ER सीरीज टीवीज के बारे में यही है कि पहले तो यहाँ पर एक 55 इंच स्क्रीन साइज वाला वेरिएंट मिसिंग है और जो 50 इंच 4K अल्ट्रा HD वेरिएंट है वो मुझे काफी ओवर प्राइस लगा, क्योंकि मेरे हिसाब से इस 50 इंच वेरिएंट का सही दाम 28,000 के आसपास हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर आपको डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता और कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी थोड़ा सा कम है और साथ ही ऑडियो सिस्टम भी यहाँ पर एवरेज क्वालिटी का ही दिया गया है, ना कि मोटोरोला और नोकिया टीवीज जितना दमदार। सिमिलरली दोस्तों मुझे 43 इंच वेरिएंट का प्राइस भी काफी ज्यादा लगता है, क्योंकि इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ इस 43 इंच वेरिएंट का प्राइस 19,000 रुपीस के आसपास होता तो ये एक अट्रैक्टिव डील मानी जा सकती थी। लेकिन दोस्तों ये कॉम्पैक्ट ER सीरीज टीवीज का 32 इंच वेरिएंट एक काफी अच्छा ऑप्शन है और इसे सही प्राइस पर भी लॉन्च किया गया है, और अगर आपको इस पर कोई कैशबैक ऑफर मिल जाता है तो ये एक बेस्ट डील भी हो सकती है, क्योंकि 32 इंच वेरिएंट में आपको कम ही टीवीज एक पिक्चर इंजन, HLG और HDR10+ टेक्नोलॉजीज के सपोर्ट के साथ देखने को मिलते हैं। तो मैं पर्सनली आपको इस सीरीज का सिर्फ 32 इंच वेरिएंट ही रिकमेंड करूंगा। तो दोस्तों आई होप कि आज की इस वीडियो में कॉम्पैक्ट ER
स्मार्ट टीवी को लेकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछें। और अगर आपको आज ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसी तरह के लेटेस्ट ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।